जान तो काट लेते नहीं तो इधर की उधर से हो गई ना चलो आया टैक्स सा हां एविल टैक्स सा अच्छा वो एविल जो इंसानों में लगती है वो अच्छा वही जो एमजी ज्यादा होगी इसकी तो इससे क्या होता है मतलब प्रॉपर जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है कुछ होता है, नहीं होता है ना एविल डेक्सा जैसे अपनी एविल आती है इसमें एमजी ज्यादा होगी बस है ना घोड़े के अकॉर्डिंग इंसान के थोड़ा शेफ से लगता और घोड़े के जैसे अपने जैसे मेल एविल ले लिया जैसे मेल डेक्सोना ले लिया जैसे इनकी क्या एलर्जी हो गई अभी क्या क्या लग रहा है आपको इनके क्या कोई अभी बारिश के अंदर कोई कीड़े आते नहीं हाँ, हाँ, हाँ। वो काट लेते हैं तो वो क्या कहते हैं ये तो फुल सीधापड़ हो जाते अच्छा ये कोई सोलिंग आने शुरू हो जाता है जैसे उसके पैर में आई हुई अच्छा तो इनसे थोड़ा फर्क पड़ जाता है तो ये इससे फर्क पड़ जाता है इसे सोलिंग वगैरह उतर जाता है जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है अच्छा हाँ जो भी रिएक्शन लेना चाहती है वो रुक जाती है इससे जैसे बाल वाल भी उतर रहे हैं बाल तो क्या चेंज हो रहे हैं गर्मी की वजह से अच्छा चेंज होती है कोटिंग अच्छा अच्छा जो नए बाल आ रहे हैं शुरू होते हैं वो पूरे जो पुराने बाल है ना हाँ वो खत्म होते चले जाते हैं मालिश से और बारिश में इनके बुखार बुखार इसका भी ध्यान रखना पड़ता होगा बारिश में ज्यादातर बारिश में पूरा ध्यान रखना पड़ता है थोरों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मैं सुना है ना बारिश में मौसम घोड़े के लिए बहुत खराब है ना ये मौसम तो खराब ही है इसमें तो मारवाड़ी क्या अच्छा है मारवाड़ी एक अलग ही लुक में आता है वो तो मारवाड़ी में भी है पर तो भी मारवाड़ी भी परेशान भी है बारिश के अंदर क्यों मच्छर है मच्छर मच्छर से परेशान होते हैं सही बोल रहे हो आप ये तो और ज्यादातर घोड़े का सर्दी और आधी गर्मी पूरी गर्मी भी खराब है ज्यादा तापमान हो जाता है कोई घोड़ा बीमार हो जाता है ज्यादा गर्मी मान लेते हैं गर्मी तो पसंद नहीं आती इनको मैं देखा है गर्मी में तो इरिटेट होते हैं ज्यादा अगर सर्दी में भले कितना आप तो यहाँ पे अभी कोई घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है क्या नहीं आप बारिश के अंदर घोड़े का बहुत बार मौसम खराब कोई चीज पेट में पचता नहीं है कोई खाने पीने से हो जाते हैं कैसे जान भरा तो उसकी भी टैबलेट आती होगी ना हाँ तो इंजेक्शन वगैरह आते हैं तो भी किसी के ज्यादा हो जाता तो डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं करता सही बात है और इतना भी कितना मेडिसिन दे इनको बात बात पे मेडिसिन थोड़ी देंगे थोरों में क्या है ज्यादातर होता ही होता है मारवाड़ी कम होते हैं मारवाड़ी में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर इनमें क्या है वो अलग होती है ये थोड़े से ये हाइट वाइट दिखने में बहुत बढ़िया होते हैं ना हाइट में दिखने में ऐसे थोड़ा वो मारवाड़ी में क्या दिमाग है थोड़ा शैतान पर आई वैसे चंचल होता है बहुत ज्यादा ये तो है जो थोरो है वो थोड़ा सा जल्दी लाइन पे आ जाता है सीखने करने में मारवाड़ी रेडी होने के बाद में तो वो फिर बाद में वो चीज भूलता नहीं है सही बात है और पकड़ने का तरीका देखिए आप घोड़े की टांग को ऐसे पकड़िए ताकि वो लात मारे तो आपको पता लग जाए एकदम से फेस को बचाते हुए क्योंकि घोड़ा है वो अपने आप की सेफ्टी जरूर करेगा तो पहले वो लात देगा खींच के तो आपको उससे बचना है देखिए पकड़ने का तरीका देखिए आप देखो ये तरीका होता है इसके रेक्स को पकड़ने का ये मैं सब लाइव बताता हूँ क्योंकि कोई एडिटिंग वेडिटिंग मेरे को पसंद नहीं है जो है आपके सामने होगा इस अब देखिए अब देखिए पीछे के लेग्स कैसे पकड़ेंगे देखिए डरना नहीं है बिल्कुल भी बस थोड़ा केयरफुल रहना
इनके डेली साफ करते हो क्या आप? बारिश में हमेशा। बारिश में ना? हाँ, इनमें जम जाता है फिर, इसमें कीड़े वीड़े जम जाते हैं। तो गाइस ये साफ करते रहना चाहिए आपको, अगर आपके पास घोड़ा है तो उनका ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखोगे तो आगे आपका घोड़ा लॉन्ग चलेगा और कभी कोई बीमारियां नहीं होगी और स्वस्थ रहेगा।